की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा साह और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज। औरंगाबाद शहर के दानी बिघा स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधी व भ्रष्टाचारी बेलगाम हो चुके हैं। प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है। 1700 करोड़ की लागत से बन रहे पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी घटना की गवाहों की हत्या हो रही है। अपने भाई के गवाह पत्रकार बिमल यादव की हत्या कर दी गई। पुलिस जवानों को अपराधियों द्वारा पीटा जा रहा है, जो बिहार में बढ़े अपराध को उजागर करता है। प्रेस वार्ता के दौरान हम पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम नीतीश कुमार के साथ थे, तब भी हमने कहा था कि शराबबंदी अच्छी है, लेकिन ये जो शराबबंदी के नाम पर नाटक हो रहा है, उसको बंद कीजिए। नाटक ये रहा कि गरीबों को आधा बोतल शराब पीकर 6000 रुपए का जुर्माना चुकाना पड़ रहा है, इसके ऊपरी भी लिया जाता है। साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी से टूरिस्ट भी प्रभावित हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार के सुखाड़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किए जाने पर भी मांझी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार मजे के लिए हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, किसानों की समस्या से सीएम नीतीश कुमार को कोई लेना देना नहीं है। बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री को जिले के पोइवा गांव में औरंगाबाद नगर परिषद द्वारा कचरा फेंकने की शिकायत मिली थी, जिसका जायजा लेने मांझी औरंगाबाद पहुंचे थे। पोइवा गांव में जायजा लेने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने डीएम से बात कर समस्या का समाधान कराने की बात कही। साथ ही कई लोगों की समस्या भी जीतन राम मांझी ने सुना। वहीं एसपी के व्यवहार से नाराजगी भी जताई। कहा कि शिकायत पर जब एसपी को फोन किया गया तो कहा गया कि भिजवा दीजिए, देख लेंगे, जबकि उन्हें तत्काल संज्ञान लेना चाहिए था। आगे सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। शुरू किया जाए, जहाँ पर छठ घाट है, जहाँ पर विद्यालय है, वहाँ डैम। सर, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है, क्या कहें? कभी पत्रकार, कभी पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। कोई तो मत नहीं है इसमें, तो आप जानते हैं कि आज तो हम नीतीश कुमार से अलग हैं, लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार के साथ थे उस दिन भी असेंबली में प्रोसीडिंग है कि यहाँ महिलाओं के साथ, शेड्यूल कास्ट के साथ, पत्रकार के साथ, पुलिस के साथ, सबके साथ आज यहाँ इतना अत्याचार हो रहा है जिसका कि कोई बयान नहीं हो सकता है। आपने देखा, अभी सही कहा, पुलिस गए तो उन्हें माथा में गोली मार दिया गया। पत्रकार का भाई की हत्या हुई है, और भाई का हत्या होने के बाद भाई गवाह बना है, तो गवाह मिटाने के लिए उसके भाई को लोग मार दिया गोली। पत्रकार हैं तो भी, तो जब पत्रकार को गोली मार सकता है तो कितना मनोबल यहाँ के क्रिमिनल को बढ़ गया है। उसी के आधार पर कल हम परसों बोले हैं दशरथ मांझी के पुण्यतिथि मनाने के अवसर पर कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट का जो कन्विक्शन रेट है बहुत कम है। हिंदुस्तान पैमाने पर 21% है, लेकिन यहाँ 5 या 4% है। और उसका खास कारण यही है कि यहाँ गवाह नहीं मिलते हैं। तो गवाह कैसे मिलेगा जब अब भाई के गवाह है और भाई को गोली मार दिया, और पत्रकार है, पत्रकार के अपना स्थान है, अब उसको गोली मार दिया। तो कहने का मेरा मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है, और एक ही जुमला नीतीश कुमार का है, हाँ देखेगा, कार्रवाई होगी। तो ये तो बहुत बदसूरत चेहरा है डेमोक्रेसी का। कार्रवाई होनी चाहिए थी, तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, और ये घटना नहीं है, दर्जनों घटना इस प्रकार की बात हुई है। तो लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन, ये दोनों साथ साथ चल रहे। करप्शन में आपने देखा कि साहब सुल्तानगंज में 1700 करोड़ रुपया का पुल था, धंस गया। का भाई, अरे किशनगंज में 1700 करोड़ रुपया का बना, 1600 करोड़ रुपया वो धंस गया। और फिजूल खर्ची का आलम यह है कि नया म्यूजियम हाउस से, म्यूजियम हॉल से पुराना म्यूजियम हॉल को अंडरग्राउंड बना रहे हैं 450 करोड़ रुपया का। और यहाँ गरीब तबके के जो लोग बूढ़ा बूढ़ी है, आज के मेटलिस्टिक युग में नौकरी में बच्चे लोग चल जाते हैं तो बूढ़ा बूढ़ी को कोई नहीं देखता है। तो यहाँ 200 रुपया पेंशन था, जीतन मांझी ने 200 रुपया और बढ़ाया,
400 किया था, मौका उसको मिलता दो महीना और तो हम कम से कम 1,000 रुपया कर देते। आज दूसरे स्टेट में 1,000 मिल रहा है, उसके लिए पैसा यहाँ नहीं है और ये एस्टिमेट घोटाला कराने के लिए आज नीतीश कुमार के पास पैसा है। तो ये दुर्भाग्य है इस राज्य का, ये जनता को सोचना चाहिए, जनता को समझना चाहिए। और हम समझते हैं घटिया गए हैं, 18 वर्ष होने जा रहा है इनका मुख्यमंत्री काल का, तो सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, तो इसलिए इनको तो कुछ सूझ नहीं रहा है। ये जो मन में है वो अपना करते हैं, जो सही है कि हर लोगों के खिलाफ बात जा रही है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।